दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि SBI नेट बैंकिंग से मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि SBI नेट बैंकिंग से मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो आप गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं कोई भी क्रोम ओपन कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन SBI, ठीक है। आप .com भी लिख सकते हैं। तो ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, www.onlinesbi.com। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नेम इंटर करना है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है नेट बैंकिंग का। उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चे को यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए वन टाइम पासवर्ड, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अवेलेबल बैलेंस, क्लिक हियर टू बैलेंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप मनी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 3 लाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट एंड ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे देखिए क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एड बेनिफिशरी। तो यहाँ पे अगर आपको क्विक ट्रांसफ़र करना है विदाउट बेनिफिशरी ऐड किए तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको बेनिफिशरी ऐड करके मनी ट्रांसफ़र करना है तो आप नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हमको अभी विदाउट बेनिफिशरी ऐड किए और यहाँ पे क्विक से मनी ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्विक ट्रांसफ़र पे। तो ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि बेनिफिशरी नेम और जिस व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नेम। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेनिफिशरी अकाउंट नंबर, उसका खाता जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद दोबारा कन्फर्मेशन के लिए खाता। उसके बाद यहाँ पे SBI बैंक है तो इस पर क्लिक रहने दीजिएगा। अगर अदर बैंक है तो यहाँ पर आपको क्लिक रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फुल IFSC डिटेल आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद किस मेथड से आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, IMPS या NEFT, तो IMPS पे क्लिक रहने दीजिएगा। लेकिन मेरा SBI का, तो यहाँ पे SBI पे हम क्लिक रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमाउंट पे क्लिक करेंगे। तो अमाउंट पे कितना भेजना चाहते हैं, तो हम चलिए 10 रुपया यहाँ से भेजना चाहते हैं। उसके बाद पर्पस क्या होना चाहिए, तो पर्पस यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर अदर क्लिक कर देते हैं। आप इनमें से कोई सा भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टर्म एंड कंडीशन पे आप एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्मेशन पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किन के अकाउंट में यह पैसा क्रेडिट होगा वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे में लिखा हुआ है। तो कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। OTP इंटर करने के बाद आप कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। और कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फंड हैव बीन ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। तो आपका जो है पेमेंट जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका जो है जहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिखाया जा रहा है कितना आप पैसा ट्रांसफ़र किए हैं वो आपका प्रिंट हो जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रिंट पे क्लिक करके, तो आप अपने PDF में भी इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे PDF में सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। फिर से अगर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे पेमेंट और ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे। फिर से वही प्रक्रिया आपको अपनाना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी ID शो हो रहा होगा।